हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास सिक्स के हिस्ट्री एंड सिविक्स इस सब्जेक्ट का जो फर्स्ट नंबर का लेसन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री, इसका रिमेनिंग पार्ट देखने वाले हैं। जो पहला पार्ट था हमने उस पहले वीडियो में देखा था, जहाँ पर हमने देखा था कि लोगों के रहन सहन, उनके जो कपड़े पहनने का जो ढंग होता है या उनके जो खाने पीने का जो इस्तेमाल करते हैं, वो जो चीज़ें वो सभी उनके जो भौगोलिक जो प्रदेश रहता है उस पर डिपेंड होता है। जिस रीजन में वो रहते हैं उस पर वो सभी डिपेंड होता है। वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ के जो वहाँ पर उनको जो अवेलेबल होता है इस पर वो डिपेंड होता है। अब हम देखने वाले हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो आवर कंट्री इंडिया एक्सटेंड फार एंड वाइड, हमारा जो देश है भारत देश वो बहुत विस्तार से बहुत ही बड़ा है। और एट इट्स नॉर्थ लाइ द हिमालयस टू द ईस्ट एंड बे ऑफ बंगाल टू द वेस्ट द अरेबियन सी एंड टू द साउथ द इंडियन ओशन। मीन्स हमारे जो भारत देश है उसके उत्तर दिशा में हिमालय, पूर्व में बंगाल का उपसागर, पश्चिम दिशा में अरबी समुद्र और दक्षिण दिशा में हिंदी महासागर है। और भारत की जो अंडमान निकोबार, ये जो दो बेटे हैं तीन बेट है अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, तो इसे छोड़ते हुए बाकी जो प्रदेश रहता है द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज कंटिजियस, यानी जो बाकी जो प्रदेश है हमारे देश का वो एक जैसा है, सलग है। वी हैव टू टेक इन टू अकाउंट दिस रीजन हेंसफोर्थ रेफर टू एज एंशंट इंडिया एंड भारत। प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसका स्टडी करते समय ये जो भूप्रदेश है उसको ध्यान में रखना जरूरी होता है। व्हेन वी स्टडी द एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिफोर 1947 टूडेज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वेयर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया। जबकि हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उससे पहले जो पाकिस्तान और जो बांग्लादेश था तो उनका जो पार्ट था यानी उनका जो भूप्रदेश था वो सभी जो होता है वो इंडिया में लाया होता है, यानी इंडिया का ही एक पार्ट थे वो। द फॉलोइंग रीजन आर सीन टू बी इम्पोर्टेंट व्हेन वी लुक एट द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री का इतिहास का जो स्टडी करते समय हमें नीचे दिए गए जो पार्ट्स है, जो सिक्स भूप्रदेश है उसका भी बहुत इम्पोर्टेंट उसमें होता है। द हिमालयाज फर्स्ट नंबर है, सेकंड है द प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर्स, थर्ड नंबर है द थार डेजर्ट, फोर नंबर द डेक्कन प्लेट्यू, फाइव द कोसल रीजन एंड सिक्स द इजलैंड इन द सीज। अब हम देखने वाले हैं पहले हिमालय, यहाँ पर पिक्चर दिया है हिमालय का। हिमालय एक पर्वत है। द हिंदू कुश एंड हिमालय रेंजेस हैव क्रिएटेड एंड इम्पेनेट्रेबल वॉल ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द इंडिया सब कॉन्टिनेंट। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यानी भारतीय जो उपखंड है उसमें हिंदू कुश या हिमालय जो पर्वत है उसकी वजह से एक वॉल बन गई है भारतीय उपखंड के उत्तर दिशा में, एक बड़ी सी वॉल बन गई है। दिस वॉल हैज़ सेपरेटेड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द डेजर्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को सेंट्रल एशिया से अलग कर देती है, मध्य एशिया जो होता है उससे वो अलग कर देती है। हाउएवर देयर इज अ लैंड रूट थ्रू द खाइबर एंड बोलन पासेस इन द हिंदूकुश माउंटेन्स। जो हिंदूकुश माउंटेन्स है उसमें से दो रूट गए हैं जिसे खाइबर पास एंड बोलन पास कहा जाता है, जो कि जमीन पर से जाने वाले मार्ग है। दिस रूट वॉज कनेक्टेड टू एन एंशियंट ट्रेड रूट, द ट्रेड रूट फ्रॉम चाइना पास थ्रू सेंट्रल एशिया एंड रीच अरेबिया। ये जो रूट है वो प्राचीन व्यापारी मार्ग से जोड़े जाते हैं, जो कि चीन में से निकलकर मध्य एशिया के अरबी समुद्र के तरफ जाने वाला जो मार्ग होता है उसे व्यापारी मार्ग कहते हैं, जो कि उसे जो व्यापारी मार्ग है उसे सिल्क रूट या सिल्क रोड भी कहा जाता है। इट इज़ नोन एज द सिल्क रूट और सिल्क रोड बिकॉज सिल्क वॉज द मेन कमोडिटी एक्सपोर्टेड टू द वेस्टर्न कंट्रीज यूजिंग दिस रूट। क्योंकि जो वेस्टर्न पार्ट्स की जो कंट्रीज थे उसे वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रेशम वहाँ पर भेजा जाता था। द रूट थ्रू द पासेस वॉज यूज बाई मेनी फॉरन इन्वेडर्स टू एंटर एंशियंट इंडिया, मेनी फॉरन ट्रेवलर्स ऑल्सो केम टू इंडिया बाई दिस रूट। भारत में आने वाले बहुत से जो
प्रवासी थे जो कि परदेशी प्रवासी थे वो भी वहीं से ये जा करते थे, आया जाया करते थे। खैबर पास का यहाँ पर पिक्चर हमें दिया है। द प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, मीन सिंधु गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इन तीन नदियों के जो उपनदियाँ है उन्होंने वहाँ पर जो जगह बनाई है, उनके जो खोरे है वहाँ पर। द रिवर सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, दिस रीजन एक्सटेंड फ्रॉम सिंधु पंजाब, इन जो रीजन है कि सिंधु एंड पंजाब, मतलब पंजाब पश्चिम भाग में, जो पश्चिम दिशा में सिंध पंजाब से लेकर पूर्व तक, पूर्व तक वहाँ पर वो जाती है। द वेस्ट टू द प्रेजेंट डे बांग्लादेश, यहाँ मतलब कि आज का जो बांग्लादेश है वहाँ पर वो जाता है पूर्व दिशा में। इट वॉज इन दिस रीजन दैट इज द अर्लीस्ट इंडियन सिविलाइजेशन ऑफ हरप्पा एंड द लेटर स्टेट्स ऑफ एम्पायर ऑफ एंशियंट इंडिया एमर्ज, कि वहाँ पर जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी इंडिया की, उसके कुछ पार्ट्स वहाँ पर अभी भी दिखाई देते हैं, यानी उसके जो साम्राज्य गणराज्य वहाँ पर उदय में आए थे, उनकी जो प्राचीन जो कालखंड में वहाँ पर उनके कुछ दिखाई देते हैं, प्राचीन नागरी हड़प्पा संस्कृति थी। यहाँ पर है थार डेजर्ट, थार डेजर्ट का पिक्चर यहाँ पर दिया गया है। द थार डेजर्ट स्प्रेड्स अक्रॉस राजस्थान, हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, ये जो थार डेजर्ट है उसका कुछ पार्ट राजस्थान में, कुछ हरियाणा में और कुछ पार्ट गुजरात में है। अ पार्ट ऑफ द डेजर्ट लाइज इन टूडेज पाकिस्तान, और कुछ पार्ट आज के पाकिस्तान में भी है। द डेजर्ट हैज़ द सतलज रिवर टू इट्स नॉर्थ, जो डेजर्ट है वो सतलज रिवर जो है नॉर्थ में, द अरवली माउंटेन रेंजेस टू इट्स ईस्ट, यानी उसके जो नॉर्थ में सतलज नदी है उसके माउंटेन ईस्ट में अरवली माउंटेन्स है, और रन ऑफ कच्छ यानी कच्छ का रन जिसे बोला जाता है वो साउथ में है उसके, उस थार डेजर्ट के। एंड इंदूज मतलब सिंधु जो नदी है वो वेस्ट में है, ऐसे चारों बाज यानी चारों भागों से वहाँ पर वो बनाया गया है। द घाघर रिवर दैट ओरिजिनेटेड इन हिमाचल प्रदेश रिचेज द थार डेजर्ट, यानी जो घाघर रिवर है जो कि हिमाचल प्रदेश में उसका उगम हुआ था, ऐसी जो नदी है वो, उसे पाकिस्तान में क्या बोला जाता है, हकरा, इट इज़ नोन एज हकरा इन पाकिस्तान, इट्स कोर्स इन राजस्थान एंड पाकिस्तान हैज़ नाउ ड्राइड अप, और उसका जो कोर्स है, उसका जो पार्ट है वो अभी भी ड्राइड हो चुका है, जो कि राजस्थान में है और कुछ पार्ट पाकिस्तान में अभी ड्राइड है। मेनी साइट्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड अलॉन्ग द नाउ ड्राई कोर्स ऑफ द रिवर, तो अभी भी हमें वहाँ पर कुछ पार्ट वहाँ पर दिखाई देता है जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी उसके स्थल जो थे वहाँ पर अभी भी मिलते हैं बिखरते हुए। फोर नंबर है द डेक्कन प्लेट्यू, द रीजन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया टेपर्स अप टू द साउथ, द रीजन हैज़ द अरेबियन सी टू इट्स वेस्ट एंड द इंडियन ओशन टू इट्स साउथ एंड द बे ऑफ बंगाल टू इट्स ईस्ट, ये जो रीजन है वहाँ का जहाँ पर हमें यानी डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, दक्कन का पठार उसे कहा जाता है, उसके एक बाजू जो है वहाँ पर पूरब का किनारा है और दूसरे बाजू में पश्चिम किनारा, ऐसे भूप्रदेश है उसका, भारत का जो भूप्रदेश है वो दक्षिण दिशा में थोड़ा कम होता जाता है, और उसके पश्चिम बाजू में यानी पश्चिम दिशा में अरबी समुद्र और दक्षिण दिशा में हिंदी महासागर है और पूरब को बंगाल का उपसागर है, तीनों बाजुओं से वहाँ पर वो बंधा हुआ है, यानी जो समुद्र में घुसे हुए एक जो त्रिकोणी जो भाग रहता है वैसे वहाँ पर वो दिखाई देता है। रीजन दस बाउंड बाय द सी ऑन थ्री साइड इज कॉल्ड ए पेनिसुला, और जो रीजन होता है वो तीनों साइड से वहाँ पर यानी तीनों बाजुओं से अगर वो बंधा होता है, वेढ़ा होता है, तो उसे हम कहते हैं पेनिसुला, यानी हिंदी में उसे कहा जाता है द्वीपकल्प। अ मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिसुला इज ऑक्युपाइड बाय द डेक्कन प्लेटू, और भारत का जो बड़ा से बड़ा जो पार्ट है, बहुतांश जो भाग है दक्कन जो पठार है वहाँ उसने वो लपेटा हुआ है दक्कन पठार से।
The mountains ranges of the Vindhya and Satpura ranges of the Vindhya and Satpura are located to the north of the Deccan Plateau. जो माउंटेन है दक्कन के दक्कन का जो पठार है उसके उत्तर दिशा में सतपुड़ा एंड विंध्य इस पर्वत के कुछ लाइन्स है. एंड द सह्याद्री माउंटेन रेंजेस आर टू इट्स वेस्ट. एंड सह्याद्री जो माउंटेन है जो रेंजेस है वो उसके वेस्ट में है. दे आर ऑल्सो नोन एज द वेस्टर्न घाट्स. उसे वेस्टर्न घाट कहा जाता है. टू द वेस्ट ऑफ द सह्याद्रीज इज द कौसल रीजन ऑफ कोकन एंड मालाबार. द माउंटेन्स ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आर नोन एज द ईस्टर्न घाट. एंड जो मालाबार है कोकण एंड मालाबार जो किनार पट्टी का जो प्रदेश है सह्याद्री के जो पायथे में रहते हैं उसे दक्कन पठार के पूर्व भाग में जो पूर्व घाट है उसे माना जाता है. पूर्व भाग में जो वहाँ पर यानी डेक्कन प्लेट्यू यानी दक्षिण के पठार के जो पूरब भाग में जो रेंजेस है माउंटेन की उसे पूरब घाट बोला जाता है. डेक्कन प्लेट्यू हैज़ फर्टाइल लैंड वेयर मेनी पोस्ट हरप्पन एग्रारियन कल्चर्स फ्लरिश. वो जो है एक वहाँ पर बहुत ही फर्टाइल लैंड होती है. सुपीक वहाँ पर ज़मीन होती है और मृदा होती है. उसके वजह से वहाँ पर बहुत सारे हरप्पन सिविलाइजेशन जो थे वो खेती करते थे. After the decline of the Maurya Empire, two several other kingdoms and smaller empires continued to flourish in this region. और दक्खन का जो पठार है उसका समावेश साम्राज्य में होता है. यानी मौर्य साम्राज्य के जो प्राचीन भारत के जो सर्वाधिक बड़े राज्य थे मौर्य साम्राज्य उसमें भी उसका समावेश होता है. और मौर्य साम्राज्य के बाद में जो अनेक बहुत सारे छोटी छोटी साम्राज्य वहाँ पर बन चुकी है. The coastal region. From the time of the Harappan civilization, ancient India had trade relation with the western countries. मतलब जो समुद्र किनारों का जो प्रदेश है उसकी हमें यहाँ पर जानकारी लेनी है. प्राचीन भारत की जो हरप्पा संस्कृति उसके काल से लेकर पश्चिम दिशा के जो व्यापार चलते थे उसका यहाँ पर हमें जानकारी मिलेगी. This trade was carried on by sea. वो जो व्यापार थे वो समुद्र मार्ग से किए जाते थे. And India had developed contact and interaction with foreign cultures and people. India जो था वो बहुत सारे foreign peoples के साथ वहाँ पर संबंध रखता था. उस मार्ग से interaction होता था. And later on land routes and came to be used for trade and transport. But the importance of sea routes did not diminish. But जो लोग जो थे वहाँ पर उनका संपर्क रहता था देवान घेवान होती थी. और बाद में जो खुश्की का जो मार्ग वहाँ पर बनता था जो ज़मीन से आता जाता था वो भी वहाँ पर शुरू हो गया. और तो फिर भी अगर वहाँ पर ज़मीन से लोग आते जाते थे फिर भी वो जो सी रूट था उसका महत्व अभी भी उतना ही है. सिक्स नंबर है द आइलैंड इन द सी यानी समुद्र की जो बेट है उसकी जानकारी हमें लेनी है. अंडमान एंड निकोबार आर द इंडियन आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल. यानी बंगाल के उपसागर में जो दो बेटे हैं भारत के उसकी जानकारी हमें लेनी है. लक्षद्वीप इज ए ग्रुप ऑफ इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी. द लोकेशन ऑफ दिस आइलैंड मे हैव बीन इम्पोर्टेंट इन एंशियंट सी ट्रेड. द मैन्युस्क्रिप्ट लक्षद्वीप ये भी एक भारत का अरबी समुद्र में एक है आइलैंड है. प्राचीन काल में समुद्री व्यापार जो थे वो इन तीनों बेटों में से होते थे. वहाँ पर इन बेटों का बहुत सारा महत्व रहता था. पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी मतलब पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी मेक्स आर हैंडबुक ऑफ द रेड सी मेक्स अ मेंशन ऑफ इंडियन आइलैंड. मतलब तांबड़े जो तांबड़ा समुद्र का जो माहिती पुस्तक बना है वहाँ पर और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है वहाँ पर इन बेटों का यानी उस आइलैंड का वहाँ पर मेंशन किया गया है उस आइलैंड को. इट हैज़ बीन रिटन बाय अननोन ग्रीक सेलर. वो जो है अनामिक ग्रीक जो खलासी थे उन्होंने वहाँ पर वो लिखे है.
यहाँ पर हमें इंडिया के प्राकृतिक जो ये भारत है, फिजिकल इंडिया, वहाँ पर उसका पिक्चर यहाँ पर दिया गया है। जहाँ पर हमें थार डेजर्ट दिखाया गया है, डेक्कन प्लेट्यू। 6 जो पार्ट हमने अभी पढ़े उसकी जानकारी हमें इससे मिल सकती है। यहाँ पर लक्षद्वीप बेट है जिसके बाजू में अरेबियन सी है। यहाँ पर इंडियन ओशन है, वेस्टर्न कोस्ट की रेंजेस है ऊपर इस तरह से। और ये जो बे ऑफ बंगाल है उसमें इंडिया के जो दो आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार, ये दिखाई दे रहे हैं हमें, अंडमान एंड निकोबार। ये थार डेजर्ट, ये डेक्कन प्लेट्यू इस तरह से। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, द सिटीज ऑफ हरप्पा एंड मोहेंजोदड़ो आर द टूडेज पाकिस्तान। जो हरप्पा सिविलाइजेशन के और मोहेंजोदड़ो के जो टूडेज के मतलब आज के पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये जो देश है वो सभी मिलकर एक भूभाग बनता है। श्रीलंका एंड इंडिया टुगेदर फ्रॉम द रीजन नोन एज साउथ आशिया एंड उसे ही दक्षिण आशिया ऐसा बोला जाता है, इस नाम से वह प्रसिद्ध है। कंसिडरिंग द एक्सपांस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया इन दिस रीजन, इट इज़ नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एंड उसी को जानते हुए इस भूभाग में जो विस्तार हुआ है उसको महत्व अगर हमने उसकी जानकारी यानी इसका इंपॉर्टेंस अब हम देखा तो इस प्रदेश को भारतीय उपखंड ऐसे भी बोला जाता है। द हरप्पन सिविलाइजेशन हैड स्प्रेड मेनली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और जो हरप्पन जो है वो सिविलाइजेशन अभी भी मतलब कि वो जो मुख्यतः वो नॉर्दर्न पार्ट में ही था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में था। चाइना एंड म्यांमार और नेबरिंग कंट्री, चाइना एंड म्यांमार जो है हमारे बाजू के देश है, हमारे पास में ही वो रहते हैं, आर नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ आशिया, बट वो जो है वो साउथ आशिया के पार्ट नहीं माने जाते उन्हें, और द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और जो है साउथ आशिया भी नहीं, और इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट है, उपखंड है, उसे वह भी नहीं बोला जाता। हाउएवर दे हैड कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशन विद एंशियंट इंडिया, फिर भी उनके जो भारत से प्राचीन जो संबंध है, ऐतिहासिक संबंध बहुत से रहते थे, मतलब दे हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। और भारत के जो प्राचीन भारत का जो इतिहास का स्टडी हम जब करते हैं तो उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट देना पड़ता है, यानी उसे बहुत ही महत्व का स्थान वहाँ पर उनका होता है।